नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जो चार एडेनियम दिखा रहा हूं, और मेरा ये दिखाने का कुछ ख़ास मकसद है। कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया था कि मेरे एडेनियम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, उन पर फूल क्यों नहीं आ रहे हैं। तो जो मैं आज चार एडेनियम दिखा रहा हूं, आज मैं और चारों के बारे में मैं आज आपको बताता हूं। जो ये जो आप देख रहे हैं एडेनियम, ये मेरा वाइट रंग का है, और अभी देखिए किस पर फूल आना चालू हो गया है। और एक यहाँ जो आप एडेनियम देख रहे हैं, ये इस पर अभी कोई फ्लावर नहीं आ रहे हैं। और एक यहाँ पर देख रहे हैं, ये छोटा सा एडेनियम, इस पर देखिए कि अब इस पर भी फूल आना फ्लावर आना चालू हो गए हैं। और एक यहाँ छोटा सा यहाँ पर भी है, इस पर भी आप देखेंगे यहाँ पर छोटा सा है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि इस पर भी यहाँ पर फ्लावर आना चालू हो गए हैं। तो ये जो चार तरह के एडेनियम मेरे पास हैं, और चारों एडेनियम को मैंने अलग अलग समय में ख़रीदा है। आप देखिएगा ये छोटा सा एडेनियम यहाँ पर है, जिसकी मैंने रिपोर्टिंग 2-3 दिन पहले की थी। और देखिए कि ये मैंने सबसे पहले इसको लिया था, लगता है कि मुझे 5-6 महीना हो गए। और इसके बाद देखिए इसका ग्रोथ, 6 महीने पहले जितने भी एडेनियम मैंने लिए थे वो 2-3 बार फ्लावरिंग कर चुके हैं, और उनका कोडेक्स और ये जो ऊपर का भाग है बहुत लंबा हो गया। लेकिन आप देखिएगा कि इसको लाने के बाद मैं आपको दिखला रहा हूँ कि ये आप देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मात्र ग्रोथ किया है। और एक ये है, उसके बाद मैंने ये मैंने एडेनियम के जो प्लांट लिया था, इसके साथ भी मैंने 3 महीने पहले लिया था। इसके साथ जितने भी एडेनियम प्लांट्स थे, जितने भी कलर के थे, वो सारे फ्लावर दे चुके हैं और 2 बार फ्लावर दे चुके हैं। लेकिन आप देखिए कि इस पर अब जाकर इस वाइट रंग का इस पर अब फ्लावर आ रहा है। और एक यहाँ जो देख रहे हैं बेबी, ये दोनों जो एडेनियम है, आप देखिएगा कि बेबी एडेनियम थे उस पर ग्राफ्ट किया गया था, छोटे थे। इसको मैंने 1.5 महीना पहले लिया था, और मैंने सोचा नहीं था कि ये फ्लावर ये देंगे, लेकिन देखिए इसमें कितना जल्दी फ्लावरिंग आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि चारों चार तरह का हैं, और सबका फ्लावर देने का समय अलग अलग है। आप देखिए कि वाइट रंग का जो ये एडेनियम है, ये तो फ्लावर अभी दे रहा है, लेकिन इसमें देखिए कि इसने अपनी कोडेक्स को बहुत बड़ा कर लिया है। ऊपर इसकी ऊपर आपकी देख रहे हैं कि इस ग्रोथ बहुत कम हुई है। देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक ग्रोथ हुई है, लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ्टिंग पोजीशन है इसका, ये और ये जो कोडेक्स है आप देख रहे हैं, इसको इसने बहुत ही बढ़ाया है इतने समय में। ये नीचे का पार्ट जो है इसका बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, और ऊपर का पार्ट में और ग्राफ्टिंग पोजिशन इसका जो है ये मजबूत हुआ है। और इसमें है, इसमें बहुत ही कम ना इस नीचे का पार्ट ग्रोथ किया, और थोड़ा सा यहाँ पर इधर थोड़ा सा ग्रोथ किया। ये है कि नॉर्मल ग्रोथ है इसका, जो ग्रोथ होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा रहा है। ये ग्रोथ कम किया है इसमें, लेकिन ये फ्लावर इस पर आ गया है। तो जो वैरायटियाँ होती हैं, अलग अलग वैरायटी की होती है, और इसकी 2-3 वजहें हैं। एक तो कौन सा वैरायटी है, बहुत सा वैरायटी ऐसे होती है कि बहुत स्लो ग्रोथ करती हैं, और बहुत से थी वैरायटी ऐसी हैं कि जो जल्दी ग्रोथ करती हैं। और अब फ्लावर देने की बात आती है, तो फ्लावर में सबसे बड़ी बात है कि आप इसका ध्यान रखें कि आपने कहाँ रखा है उसको, लाइट्स में उसको 5-6-7 घंटा का उसको सूर्य का लाइट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और दूसरी वजह है कि बहुत सारे पोटिंग मीडिया जो होती हैं वो ठीक नहीं होने की वजह से भी प्लांट बहुत अच्छे ग्रोथ नहीं करते हैं। तो अगर लगता है कि आपको बढ़िया सा ग्रोथ नहीं कर रहे हैं कोई प्लांट, और उसमें बहुत दिन हो गए, तो आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन रिपोर्टिंग का सबसे बड़ा ध्यान रखिएगा कि वो आप जाड़े के मौसम में नहीं करें, जब आप मार्च में हो, फरवरी के बाद में, लास्ट फरवरी के बाद में आप, उसके बाद नवंबर दिसंबर जनवरी तक आप उसकी रिपोर्टिंग में करें, इसको रिपोर्टिंग कर दें, नए मिट्टी पोटिंग मीडिया में उसको लगाएं, तो हो सकता है कि आपको वो
ग्रोथ करें। और घबराने की कोई बात भी नहीं है, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं ऊपर तो ग्रोथ नहीं करते, लेकिन वो जो नीचे का पार्ट है, जो नीचे का एरिया होता है, वो उसको अपना मजबूत बनाते रहते हैं, नीचे उनका ग्रोथ चालू रहता है। रेयर केस में लगता है कि आपको नीचे का ग्रोथ भी चालू नहीं है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे वैरायटी हैं, आप देखिए कि ये पिंक कलर का मुझे लग रहा है, और ऐसे वैरायटी होती है कि बहुत जल्दी ग्रोथ करती है, आप अनुमान से, आपके अनुमान से ज़्यादा उसकी ग्रोथ होती है और जल्दी फ्लावर देते हैं। और बहुत सारे ऐसी वैरायटियाँ देखिए, पत्तियों का अलग, इसका देखिए इसका पत्ती अलग है, लीफ इसका देखिए इसका अलग है, इसमें जो ग्रोथ है इसका ब्रांच तो ज़्यादा है लेकिन इसमें ग्रोथ बहुत कम है, लेकिन फ्लावर इसमें आना चालू हो गया है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप इस तरह का ध्यान रखिए, उसको फुल सनलाइट में रखें, और आप उसको वॉच करें कि अगर ऊपर ग्रोथ नहीं कर रहा तो हो सकता है कि नीचे आपका कोडक्स मोटा हो रहा हो, उसका ग्राफ्ट एरिया मजबूत हो रहा हो, और अगर उसमें दोनों में अगर आपको ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है तो विंटर छोड़ के आप उसको पुनः नए पोटिंग मीडिया में रिपोर्टिंग करें, दूसरे गमले में या उसी गमले में आप नए पोटिंग मीडिया में उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और फुल सन लाइट में रखें, और थोड़ा सा पेशेंस रखें तो आपके प्लांट्स में भी फ्लावर आएंगे। मैंने भी जो वाइट रंग का मैं खोज रहा था कि मैंने बहुत पहले लाया था, आज तक फ्लावर आया कि नहीं, तो देखिए इसमें भी फ्लावर आना चालू हो गया है। तो आपको पेशेंस रखना होगा, गार्डनिंग में एक कहा जाता है कि आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप गार्डनिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ये टॉपिक पर मेरा मैं भी पहले जब मेरे पास उतना अनुभव नहीं था तो मैं भी घबरा जाता था कि मेरे प्लांट्स फ्लावर क्यों नहीं आते, लेकिन अनुभव के साथ मैंने सीखा है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं कि उनकी ग्रोथ है, स्लो होती है, बहुत से प्लांट है कि ग्रोथ उनमें फास्ट होती है, अगर वो ऊपर ग्रोथ नहीं कर रहे तो अपनी जड़ें मजबूत कर रहे होते हैं। ये आप गार्डनिंग करेंगे तो धीरे धीरे आपको भी अनुभव हो जाएगा, और आप भी कोई भी प्लांट अगर लगाएंगे तो उस पर बढ़िया सा फ्लावर ले सकेंगे। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।